हेलो गाइस, मैं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कोई प्लगइन्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या हम अपने स्केचअप में और प्लगइन्स कहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कई साइटें हैं, तो उस पर मैं यूज़ करूँगा स्केच एजुकेशन। एक तो है कि स्केचअप का वेयर हाउस खुद का है, ठीक है, जो कि ट्रिम्बल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास हायर वर्जन है तो आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि मैं गूगल से ही करूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्केच एजुकेशन आपको बताने वाला हूं। गूगल ट्रिम्बल पे आप अकाउंट बनाएंगे तो वहां से आप भी इजिली कर सकते हैं। उसी तरीके से स्केच एजुकेशन है, उस पर थोड़े और बेटर प्लगइन्स मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं उसे भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आज मैं उसी पर बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आता हूँ गूगल पे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्केच एजुकेशन गूगल पे सर्च किया है, ठीक है। तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है स्केच एजुकेशन, इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो ये देखिए, हम नेक्स्ट पेज पे आए हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि ये कॉर्नर में रजिस्टर का ऑप्शन है, तो रजिस्टर हम करेंगे क्योंकि हमारे पास लॉगिन अकाउंट अभी नहीं है। तो मैंने इसे रजिस्टर किया, तो उसके बाद ये नया पेज खुला है जिसमें आपको लिखा हुआ है साइन अप हियर, ये फ्री अकाउंट है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि एक बेसिक सा फॉर्म फिलअप करने के लिए कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक एक करके चीज़ें फिलअप करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं नया फिलअप कर दिया है। सबसे पहले जैसे नाम डालना है आपको, एक कोई दूसरा यूज़र नेम डालना है, यूजर नेम में नाम से थोड़ा अलग डाले तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ईमेल आईडी डालनी है, एंड उसके बाद कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो डालनी है, ठीक है। फिर एंड ये चीज़ें हैं तो ये डालनी है, और उसके बाद नीचे दोनों चेक करने हैं और आपको इसका सवालों का जवाब देना है, एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो ये देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। एंड उसके बाद आपको कह रहा है कि यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के लिए, तो हम यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, एंड उसके बाद लॉगिन करनी है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम जो वहाँ लिखा था वो डाल दिया है, एंड पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पासवर्ड डाल दिया, एंड लॉगिन करेंगे हम, ये लॉगिन, एंड उसके बाद ये सेव कर लिया। ये देखिए इसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे जो कि ये हमारा ओपन आएगा। तो इसमें हमें यहाँ ऊपर सर्च करने का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ हम सर्च करेंगे, तो चलिए मैं कुछ सर्च करता हूँ। तो मुझे यहाँ सर्च करना है क्लॉथ वर्क, ठीक है। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ क्लॉथ वर्क, ये देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लॉथ वर्क, ठीक है, और एंटर करिएगा। तो उसके बाद देखिए ये क्लॉथ वर्क आया, और सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होगा, ये 9 MB का है, ठीक है। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। ये देखिए जैसे कि ये डाउनलोड होने वाला है अब, और ये हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं अपने स्केचअप पे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए हमें अब मैं स्केचअप पे आ गया हूँ अपने, तो ठीक है। तो हमें जाना है विंडो पे, एंड विंडो पे जाने के बाद हम करेंगे एक्सटेंशन मैनेजर, एंड जब एक्सटेंशन मैनेजर पे हम ओपन करेंगे उस पर क्लिक करते ही इंस्टॉल एक्सटेंशन, तो ये जहाँ होगी वहीं से फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए जैसे ही मैंने क्लॉथ वर्क को क्लिक किया एंड वो यहाँ इंस्टॉल होके सामने आ गया आपके, ठीक है। तो ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे, अब जैसे इंस्टॉल होगा वो सामने आपके आ गया है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, कुछ और एक्सटेंशन हम देखते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। तो मुझे लगता है मिरर सही रहेगा, तो मैं मिरर ढूंढता हूँ, एंड मिरर पे हम ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम फिर से वही जाएंगे क्रोम पे, एंड उसके बाद वहीं से डाउनलोड करेंगे। तो ये देखिए हम फिर से यहाँ आ गए हैं अपने स्केचअप अपने क्रोम पे, एंड इसके बाद मैंने यहाँ मिरर टाइप किया, एंड एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे दो तरीके के मिरर आए हैं अब मेरे पास, तो मैं दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक हो गया, और दूसरे को भी ये डाउनलोड कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने स्केचअप फाइल पे,
अपने स्केचअप फाइल पे आते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए स्केचअप पे आए हम, विंडो एक्सटेंशन मैनेजर पे जाना है दोबारा, वैसे इंस्टॉल करना है एंड क्लिक, एक मिरर को पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए आपका इंस्टॉल होके यहाँ आ गया है, ठीक है। अब हम दूसरे एक्सटेंशन को यहाँ पे, दूसरा जो हमारा मिरर था मैं उसे भी ट्राई करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है इसका, तो मैं इसे भी करता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास फिर सही लगेगा या इजी लगेगा मैं उसे बाद में इस पे रख लूँगा, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे पे, तो फिर से मैं विंडो पे जाऊँगा एंड वहाँ जाने के बाद एक्सटेंशन मैनेजर पे, एंड उसके बाद देखिए फिर से वही पेज खुला इंस्टॉल, और जहाँ पे भी आपका एक्सटेंशन रखा पड़ा रहेगा वहाँ से मैंने क्लिक किया ये दूसरे उसे, एंड उसके बाद देखिए ये सामने आपके पास ओपन होके आ गया है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि हम एक्सटेंशन को कैसे डाउनलोड करते हैं एंड कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि यही एक साइट है स्केच एजुकेशन, आपके पास जैसे स्केचअप के अंदर ही होता है, कई लोगों को के पास ये होता है कि स्केचअप का जो वर्जन है, जैसे मैं तो 21 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कई जो होते हैं जो अभी भी 16 या 18 या 17 यूज़ करते हैं, मैं उनका तो नहीं पता। तो कुछ चीज़ें होती है जहाँ अलग होती है, जैसे आप विंडो में जाएंगे तो प्रेफरेंस में जब आप जाएंगे देन उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंस्टॉल एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। मैं उसका एक लिंक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप जैसे कि स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिनका लोअर वर्जन है, जैसे मैंने 16 में देखा है, 16 में मुझे बताया किसी ने कि प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने जब देखा तो उनके प्रेफरेंस के अंदर में इंस्टॉल करने के लिए आ रहा था। तो हो सकता है कि इंस्टॉलेशन के दौरान थोड़ी वर्जन के चेंजेस की वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बेसिकली यही है। मैं स्केचअप के अंदर से इसलिए नहीं डाउनलोड करता क्योंकि कई बार मैं कभी डेस्कटॉप पे यूज़ करता हूँ, कभी लैपटॉप पे या कहीं और, तो उससे बढ़िया होता है कि आप अपने मेल आईडी से कनेक्ट कर लो बस, एंड उसके बाद कहीं भी क्रोम पे खोलो, डाउनलोड कर लो एंड इंस्टॉल कर लो। डाउनलोड के लिए भी फाइल्स ज़्यादा हैवी नहीं होती है, फाइल बिल्कुल ईजी होती है, ठीक है। तो मैं ईजिली उसे एक्सेस कर पाता हूँ एंड उसके बाद होता यह है कि ईजिली उसे ऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिरर के लिए आएगी। मैं फर्स्ट आपको मिरर बताना चाहता हूँ कि आप इसे मिरर कैसे यूज़ करेंगे, एंड मैं दोनों मिरर में से बताऊँगा आपको कि कौन सा ईजी है एंड कौन सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो और उसके बाद हम क्लॉथ वर्क को भी देखेंगे, क्योंकि मुझे क्लॉथ वर्क काफ़ी टाइम से यूज़ करना था एंड वो मिल नहीं रहा था, फाइनली आज मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो हम इस पे भी काम करेंगे, ठीक है। तो जल्दी वीडियो आने वाली है मिरर के ऊपर एंड उसके बाद फिर आएंगी हमारी क्लॉथ वर्क के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।